हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर होस्ट अहमद मलिक एंड यू आर वाचिंग जमीन फेसबुक लाइव। अभी हम मौजूद हैं तमजीद डेवलपर्स के स्टॉल पे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइएगा। जी, मैं आई एम मोहम्मद उस्मान मलिक, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ तमजीद डेवलपर्स। जिस तरह आप हमारे स्टॉल पे खड़े हैं आप देख सकते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको वेलकम करूंगा एंड कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप इतने बड़े इवेंट का पार्ट बने। सर मुझे बताइएगा कि कैसा आपको लगा दुबई में आके अपने ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट करके एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी फेस्टिवल के ऊपर आके। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरह zameen.com ने एक बहुत अच्छा और इंटरनेशनल लेवल का एक जो इवेंट है वो इधर करवाया, और जो टर्न ओवर रहा है क्लाइंट्स का वो भी बड़ा अच्छा रहा है। बेशतर लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान नहीं जाते, और उनके लिए आप यहाँ आके ऐसा इवेंट जो करते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जिन जिन डेवलपर्स के साथ वो काम कर रहे होते हैं या जिन सोसाइटियों के साथ काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आके वो एक कंफर्ट लेवल उनका ज़्यादा हो जाता है, और वो अपने आप को ज़रा कंफर्ट फील करते हैं और सेटिस्फाइड ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट रहा है, और हर हवाले से ही आपकी मैनेजमेंट भी अच्छी रही है, और बाकी क्लाइंट्स के हवाले से भी जो हर सारी जो लोग या जो क्लाइंट्स आए वो मुतमिन होकर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से गए। सर अगर आपसे बात करें सर पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइएगा। माय नेम इज मुश्तवा नियाज, आई एम सीईओ ऑफ तमजीद डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। तमजीद सर, तमजीद के बारे में बताइएगा, व्हाट एग्जैक्टली इज द यहां पे आप क्या, व्हाट्स द प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग यहां पे? तमजीद डेवलपर्स अरसा दराज से कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक है। बैरिया टाउन में हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, और रिसेंटली हम लेके हैं इलीट होम्स के नाम से घरों का प्रोजेक्ट है। तकरीबन 150 इसमें घर हैं और 3 ईयर्स का इसका प्लान है। आलमगीर एक्सटेंशन में ये सिचुएटेड है, और मॉडल हाउस वगैरह इसका शेरशाह ब्लॉक बैरिया टाउन में रेडी है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमें ज़मीन के इवेंट से। सर आई थिंक एक छोटा सा इनवाइट आपने ज़रूर देना है, आप लोगों को इनवाइट करें कि आपके स्टॉल पे आएँ, जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो अभी लाइव वीडियोज हमारे देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 मिलियन पीपल आर वॉचिंग ओवरऑल, और ऑब्वियसली 2 से 3 लाख लोग अभी दुबई के भी हमें देख रहे हैं, तो इनको इन्वाइट करें। आपके स्टॉल का नाम बताइए एंड वाई दे शुड कम टू योर स्टॉल। B11 स्टॉल का नंबर है, और आप सब लोग हमें विजिट कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी बैरियर टाउन से रिलेटेड और इलीट होम से रिलेटेड आपको चाहिए हो तो हमारे स्टॉल से आपको मिल सकती है। सो थैंक यू सर फॉर टॉकिंग टू अस सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोजेक्ट सर। थैंक यू। सो अब आप आगे जाइए, सुमैरा आपको कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर इकबाल साहब, जो कि नाहिद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। सर बताइए इवेंट कैसा रहा? पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो काफी अरसे के बाद दुबई में मुनक्कद किया गया है जमीन के तहत, तो मुझे बताएं ओवरऑल कस्टमर्स का फुटफॉल कैसा रहा, डील्स कोई लॉक हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था दुबई में एक्सपो में पार्टिसिपेट करने का जमीन के प्लेटफॉर्म से। वी आर वेरी एक्साइटेड, बट यहाँ आने के बाद हमारी एक्साइटमेंट और भी डबल हो गई। हमें यहाँ पे बड़ा अच्छा क्राउड मिला, बड़े अच्छे हमें एक्सपीरियंसिस गेन हुए। डेफिनेटली ये एक्सपीरियंसिस वापस जाके हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगे। जी काम आएंगे। तो मुझे बताइए बेसिकली नाहिद जो बिल्डर्स हैं डेवलपर्स हैं, इनका काम क्या है, कब से वजूद में आए, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके नाम के तहत हैं? नाहिद बिल्डर एंड डेवलपर तकरीबन पिछले कोई 5 सालों से डेवलपर फील्ड में हैं। हमारे माशाल्लाह 2 प्रोजेक्ट इस टाइम लूप में, वही दोनों प्रोजेक्ट्स हम यहाँ लेकर आए। एक प्रोजेक्ट हमारा Mall 1 है, जो कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, नियर टू फतेह चौक है, ग्राउंड +4 उसका वो सारा एरिया है। सेकेंड प्रोजेक्ट हमारा हाउसिंग सोसाइटी है Town 1 के नाम से, हैदराबाद की लार्जेस्ट हाउसिंग सोसाइटी है, जो कि 127 एकड़ पे मोहित है। उस सोसाइटी में हमने प्लॉट्स छोटे 4 कैटेगरियों में इलीट डिलक्स ओवरसीज अलग अलग डिवाइड किए हैं। मज़ेदार बात उस सोसाइटी की ये है कि हमारे बिल्कुल बैक व्यू से कैनाल जा रही है, उस कैनाल के ऊपर हमने 1000 गज के फार्म हाउसेज डिज़ाइन किए हैं, ताकि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो अपना जाती फार्म हाउस बनाना चाहें वो बासानी बना लें। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप एक इनविटेशन दे दीजिए हमारे देखने वालों को, क्योंकि वक्त कम है और अभी तक जो है वो कस्टमर्स आ रहे हैं, ताकि वो भी आ जाए, ये चांस मिस ना करें। ओवरसीज पाकिस्तानी प्लीज कम फॉरवर्ड टू WTC। ये एक बहुत शानदार इवेंट है जहाँ आपको विंडो शॉपिंग करने को मिलेगी। आपको हर तरह के, हर कम्युनिटी के, हर इलाके के लोग यहाँ पे जमीन एक प्लेटफॉर्म पे ले आया है। आप इस अपॉर्चुनिटी को गेन करें ताकि आप ये एक्सपीरियंस मिस ना कर सकें। तो प्लीज ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी एंड कम फॉरवर्ड टू WTC। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। अब आपको अहमद बताएंगे हमारे जो नेक्स्ट स्टॉल हैं उनके बारे में डेफिनेटली, लेकिन कुछ देर के बाद।